कौन सा छात्रावास है? वो कौन है वहाँ की वो मैडम? अर्चना जाटव। अर्चना जाटव। अर्चना जाटव कौन सा स्कूल पढ़ते हैं? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट कहाँ पर? घाटी गाँव में। घाटी गाँव हॉस्टल में? हाँ सर। तो आप क्या समझते हैं आपकी जिसको लेके आप यहाँ आए हैं? हाँ सर, वो मतलब कि हमारी 60% से कम थी तो इसलिए हॉस्टल से। मैम बोल रही है कि हॉस्टल में रख नहीं सकते हम। हॉस्टल में नहीं रह सकते? हाँ। क्यों सर? 60% से कम है हमारी इसलिए। 60% से कम आए हैं आप? ऐसा नियम है क्या सर कि अगर 60% नहीं कम आते हैं तो आपको हॉस्टल में रखा जाएगा? सर ऐसा नियम तो पता नहीं है, लेकिन मैम बोल रही थी मतलब नियम है कि मतलब 60% से नीचे रख नहीं सकते बच्चों को। कितने बच्चे हैं आपके? कितने लड़कियाँ हैं आपकी? सर ये सब लड़कियाँ हैं। आपका क्या नाम है? आपका रूपवती। आपके कितने परसेंटेज आए हैं? 53। तो आपको हॉस्टल से निकाला जा रहा है? हाँ। क्या कहा मैडम ने आपसे? हमसे मैम ने यह कहा कि आपको रख नहीं सकते हम। आप नहीं रह सकते यहाँ? हाँ। आपका क्या नाम है? भारती। मालिनी? नहीं, भारती। आपको भी हॉस्टल से निकाला जा रहा है? हाँ। क्या कहा है मैडम ने आपसे? सर परसेंट कम है तो यहाँ पर नहीं रहे। परसेंटेज कम है आपको निकाला जा रहा है। कितने शिष्यवृत्ति कितनी आती है आपकी? आपके खाते में कितने पैसे आते हैं? 2000। मैडम कितने लेती हैं? अभी डाले नहीं। आप नहीं बोलेंगे ना? सवाल क्या है? जो अभी बच्चियों का आया है जिनको छात्रावास से निकाल दिया गया है घाटी गाँव के अंदर, सरकारी जो अधीक्षक हॉस्टल वगैरह चलाते हैं ऐसी जाति की, वहाँ पर 15-20 कन्याएं अभी यहाँ पे आई बच्चियाँ जिनको हॉस्टल से निकाल दिया है क्योंकि उनके 60% से कम अंक आए हैं, जिसके अधीक्षक का विवेक साख हैं जिनके द्वारा उनको बाहर कर दिया गया है। इसमें आपने देखा है, हमने तत्काल CEO जिला पंचायत को बोला उनको 104 नंबर कमरे में लेके जाएँ और CEO जिला पंचायत उनकी सुनवाई कर रहे हैं।